जी। बच्चों, मैं चौबे चाचा की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ी देर के लिए प्रतियोगिता को रोकते हैं। दिल की सफाई सबसे बड़ी सफाई होती है, ऐसा चौबे जी का मानना है। और इस संबंध में समाज का एक ऐसा वर्ग जो सफाई कर्मचारी है, उसके बारे में हमारे चौबे जी ने सोचा है। तालियां। संविधान में सबको पढ़ने का, ये बात कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए चौबे चाचा ने एक अनूठा प्रयास किया। आज एक दलित बच्चा इस कंपटीशन में हमारे बच्चों के साथ दौड़े गए, और अगर वो जीत गया तो चौबे जी की तरफ से हमारे विद्या मंदिर में उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऐसा बच्चा? कौन सा बच्चा? वो बच्चा। देखे ईमानदार, दया किया, दान किया और भूल गए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, समझने की कोशिश कीजिए। ये नीची जात के आपके घर तक आ गए, कल को सड़क पे उतर जाएंगे ना, तो इधर देखिए, इधर, यहाँ, ये मीडिया एक मिनट में उछाल देगी, एकदम अपमान कर देगी आपका। इनसे बचने के लिए यही एक तरीका है, खुले मैदान में कंपटीशन करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर गलत करें तो अभी भी सॉरी बोल रहे सर, हम चले जाएंगे सर। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स सीख गए हैं आप। अरे करी जी, तो शुरू करते हैं। और चौबे जी के लिए एक बार से ताली बजाते हैं। चलो नमस्ते, चलो बेटा। बेटा, ये बात सच है, हमने हार मान ली, पर आज हम तुमसे कह रहे, तुम इन तारों की तरह चमक सकते हो। उसके लाने तुम्हें एक आखिरी लड़ाई लड़नी है और जीतना है बेटा। हमारे लाने नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लाने। ए गुटली बेटा, सुन, इन सब बच्चन के लाने जे खेल है, तुम्हारे लाने, तुम्हारे लाने तुम्हारी जिंदगी है, समझ गए ना? चलो आओ। अछूत का मोड़ा है, उसको पीछे करो। बैठ, खड़ो कर, चल पीछे। उसकी छाया हमारे बच्चों पे आ रही है, और उसको पीछे करो। चल और पीछे जा, और पीछे, चलो। जूता निकाल जरा,
जी पगा। ले ये पेन। सब बच्चन के लाने जे खेल है तुम्हारे लाने तुम्हारे लाने तुम्हारी जिंदगी है। अब ये रुकेगा नहीं, ये गुठली एक दिन पेड़ बनेगा, पेड़।